हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है। इसका मतलब ये है कि आजादी के 73 साल ये हिंदुस्तान जी चुका है। ये सबसे ताजा तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने, लाल किले की, जहां पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक अलग अंदाज में मनाया जाएगा, लेकिन जोश वही होगा, जज्बा वही होगा, रगों में तिरंगा वही होगा। लेकिन कोरोना काल में चूंकि ये जश्न का मौका है, इसीलिए तैयारियां एकदम अलहदा है। आप लाल किले की एबीपी न्यूज पर पहली तस्वीर देख रहे हैं। हर बार की तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है लाल किले को। यहाँ पर इस बार पीपीई किट में दिखाई देने वाले हैं पुलिस के जवान भी, लेकिन जैसी सुरक्षा पहले हुआ करती थी लाल किले की जश्न के मौके पर, आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी में, वैसी ही सुरक्षा रहने वाली है। करीब 7,000 पुलिस के जवान और 300 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा से लाल किला और उसके आसपास के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आसपास की बिल्डिंग्स पर हमें जानकारी मिली है कि 2,000 के आसपास स्नाइपर्स की तैनाती की जाएगी। हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 लेयर वाली सिक्योरिटी रहने वाली है। और हमारे सारे रिपोर्टर्स एबीपी न्यूज के आजादी के मौके पर उन अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीर थी ये बहुत कुछ बयां कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स पीपीई किट में आपको दिखेंगे, पुलिस वाले पीपीई किट पहने आपको दिखाई देंगे और मुंह पर मास्क अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ये छठी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे हिंदुस्तान को। हमारे सारे के सारे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीरज पांडे मंडी हाउस से है, नीरज राजपूत लाल किले के अंदर से है, अंकित गुप्ता भी लाल किले से मौजूद है, मनोज वर्मा दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है, वरुण जैन लाल किले के तुर्कमान गेट से मौजूद है, अंजलि सिंह लाल किले के एंट्री प्वाइंट पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं नीरज आपसे करना चाहूंगी। नीरज पांडे मंडी हाउस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरीके की तैयारियां आपको दिखाई दे रही है, और खासकर उन लोगों के लिए आपकी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है जो आज घर से बाहर निकलना चाहेंगे? जी बिल्कुल रुबिका, मैं बता दूं आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद निकलेंगे अपने आवास से, लेकिन जो उनके 3 संभावित रूट बनाए गए हैं उनमें से एक रूट जो ये मंडी हाउस होकर गुजरता है, मैं वहीं पे हूं। और आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं भी कि ये देखिए 2 लेयर की बैरिकेड लगाए गए हैं, ये मंडी हाउस और गोल चक्कर है। अभी यानी कि अगले 5 मिनट बाद यहां सारे ट्रैफिक रोक दिए जाएंगे, कोई भी गाड़ी आने जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल जो सरकारी गाड़ियां या ड्यूटी में जो गाड़ियां लगी हैं वही लोग आ जा रहे हैं। आप देखिए, आप ये रस्सी से और लोहे की जंजीर से इस पूरे बैरिकेड को लॉक किया जा रहा है, ताकि ना ही कोई गाड़ी इधर से मेन रूट पे जा सके, ना उस रूट पे कोई गाड़ियां दूसरी चल सके। तो ये तो रही मेन रूट की बात, क्योंकि ये संभावित रूट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं मूव करते हैं तो उनके लिए 3 सिक्योरिटी रीजन से 3 संभावित रूट रखे जाते हैं, और उस रूट पे कभी भी किसी भी समय पीएम का रूट चेंज किया जा सकता है। तो ये भी एक संभावित रूट है। एक दूसरा जो संभावित रूट है जो प्रगति मैदान होते हुए जाएगा, और एक तीसरा जो संभावित रूट है जो इंडिया गेट से होते हुए और तिलक मार्ग होते हुए सीधा राजघाट के लिए जाएगा। तो 3 संभावित रूट हैं, उसमें से 3 में जहां से एक जहां पर आप मौजूद हैं मंडी हाउस, दूसरा आप ये बता रहे प्रगति मैदान भी हो सकता है, ये वो 3 रूट है जिनके बारे में नीरज बता रहे थे। अंकित गुप्ता लाल किले के अंदर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, हमें पता है कि आपको आगे का रूट कवर करना है। नीरज, आई एम सॉरी, मैं आपको आज आजादी मुबारक नहीं कह पाई, लेकिन अंकित शुरुआत अब आपसे कर लेती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज का स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपको मुबारक हो, और उसी के साथ जरा ये बताइए कि आज की आबो हवा किस तरीके से अलहदा है।
रूबिका, सभी को, सभी देशवासियों को आजादी का ये महापर्व की शुभकामनाएं एबीपी न्यूज की तरफ से। और फिलहाल क्योंकि लाल किले की आपने जिक्र किया है, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने से मैं मौजूद हूं और कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबके बीच में अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षाकर्मी पीपीई किट में नजर आएंगे, तो वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी है वो यहां पर पीपीई किट में नजर आ रहे हैं। बाकायदा सुरक्षाकर्मियों के बीच में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी जो है डिग्निटरीज आ रहे हैं उन सबकी गाड़ियां यहां पार्क हो रही है। तो बाकायदा पूरी चेकिंग करने के बाद में ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। और सुरक्षाकर्मी न सिर्फ जो फेस किट में, जो न सिर्फ जो पीपीई किट में बल्कि फेस शील्ड भी लगाए हुए हैं, खासतौर पर वो सुरक्षाकर्मी जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इस सबके बीच में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि लाल किले की प्राचीर पर जो पिछले जो 8-10 सालों से मैं लगातार यहां पर आ रहा हूं, लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री जो ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज फहराते हैं, तो उस दौरान करीबन 700 से 800 लोग यहां पर मौजूद होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जैसी जानकारी मिली है 100 से 150 लोगों को ही वहां पर मौजूद रहने की अनुमति होगी। वहीं जो नीचे जो हमने हर बार देखते हैं कि तस्वीरें ये होती हैं प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करने के बाद में, देश को संबोधित करने के बाद में नीचे आते हैं और बच्चों से हाथ मिलाते हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं। लेकिन इस बार वैसा होने की संभावना कम है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और नीचे भी जो 4000 से ज्यादा हर बार जो बच्चे आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। करीबन 500 से 700 ही बच्चे यहां पर मौजूद होंगे, जिसमें करीबन 500 एनसीसी कैडेट्स होंगे। तो पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश मना रहा है आजादी की 74वीं सालगिरह। जी रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए बहुत सारी चीजें इस बार अलग होगी, जैसा अंकित बता रहे हैं, एबीपी न्यूज पर हम भी बता रहे हैं। इस बार सेना प्रमुखों से हाथ भी नहीं मिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए क्योंकि उन सारे के सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है जो कोरोना काल में नए रूप से बने हैं।